Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a lesson named Ashtavakra. So let's start the chapter. The story of Ashtavakra is taken from the great Indian epic, the Mahabharata. It is the story of a deformed young boy whose intelligence surpassed that of many old sages of his time. बच्चों ये स्टोरी है अष्टवक्र की, जो क्या थे अपनी बॉडी के आठ जगहों से वो विकृत थे, उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ही क्या थी, आठ जगह से विकृत थी, मतलब डिफॉर्म थी, ठीक है। और ये कहानी है कब की, महाभारत के टाइम की। और ये बताते हैं कि अष्टवक्र अपनी बॉडी से डिफॉर्म होते हुए भी उन्होंने कैसे अपनी बुद्धिमानी से लोगों का दिल जीत लिया था, ठीक है। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सेज उदालका नोन फॉर हिज विजडम रैन एन आश्रम वेयर वेदिक नॉलेज वॉज imparted to the peoples. One of his disciples, Kahola, was extraordinarily brilliant and was therefore his favorite student. Udalaka was very happy and impressed with him through all the years he had taught him. So he decided to give his daughter Sujata to Kahola in marriage once she was old enough to marry. बच्चों ये बात है, एक कहानी आपको बताई गई है। ये बात हो रही है किसकी बारे में, एक ऋषि मुनि हुआ करते थे उदालका, ठीक है। वो एक आश्रम चलाते थे, एक आश्रम में रहते थे, आश्रम में वो बच्चों को पढ़ाते थे वेदों के बारे में, ठीक है। उनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था कहोला, और वो कहोला इतना इंटेलिजेंट था कि उन ऋषि ने क्या किया, वो उनका फेवरेट था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का जो विवाह था वो उसके साथ, कहोला के साथ कर दिया। दे वर सून मैरिड एंड आफ्टर सम टाइम सुजाता बिकेम प्रेग्नेंट। Being the daughter of a wise sage, she wanted her child to become a wise man when he grew up. With this wish and the hope that the child in the womb can start gaining knowledge even before it was born, she began to attend the class of her father and husband. She would tirelessly sit through the classes and listen to the chantings of verse from the Vedas and the words of wisdom meant for the peoples, ठीक है। अब वो जो ऋषि की बेटी थी उसका नाम था सुजाता, ठीक है। उनकी शादी किससे हो गई, कहोला से हो गई। अब थोड़े टाइम बाद वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब वो चाहती थी कि उनका होने वाला बच्चा भी विद्वान हो, अपने नाना जैसा और अपने पिता जैसा। तो वो क्या करती थी, जब उनकी क्लासेस चलती थी वेदों की, तो वहीं जाकर बैठ जाती थी ताकि उनके वूम में जो बच्चा है, उनके कोख में जो बच्चा है, वो भी उनकी बातें सुने और उनके वेदों को वो भी क्या करे, ग्रहण करे। One day while the pregnant Sujata sat in Kahola's class, the unborn baby spoke from her womb. Father, this is not the correct way to chant Vedic verse. There are 8 errors in each verse that you are reciting. For a second, Kahola was silent. He felt terribly insulted before his peoples and cursed his unborn child. I curse you for your defiance. You will be born with 8 deformities in all the 8 vital parts of the body. Sujata did not believe that any father in his senses could possibly do something of that kind. She thought that her husband had felt insulted and therefore impulsively cursed the child, and that the outburst of anger should not bother her. ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, जो प्रेग्नेंट सुजाता थी वो बैठी हुई थी क्लास में, ठीक है। अब उसके हस्बैंड जो थे वो वेदिक पढ़ा रहे थे बच्चों को, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे और उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी। तो वो जब पढ़ा रहे थे तो उनके वोम से, उनके कोक से आवाज़ आई कि पापा अब ये ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब ये जब आवाज़ कहोला ने सुनी, ऋषि कहोला ने सुनी, तो वो बहुत ही क्या हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है, कि भाई मुझे क्या किया जा रहा है, मेरी टीचिंग पे शक किया जा रहा है। अरे आप अगर अपने टीचर को बोलोगे कि टीचर जी आपने ये सही से नहीं पढ़ाया, या मैम आपने ये सही से नहीं पढ़ाया, तो आपकी टीचर भी गुस्सा होगी ना। तो वैसे ही उस बेबी ने अपने मदर के वूम से अपने पापा को कहा कि पापा आप ये ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, तो उसके पापा क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और इंसल्टेड उन्होंने फील किया और उसको श्राप दे दिया कि भाई तुम जब पैदा होगे ना, तुम 8 जगहों से क्या होगे, मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए। उनको कहा कि तुम 8 जगहों से तुम्हारी जो बॉडी शेप होगी वो बिगड़ी भी होगी, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। अब ये सुनकर जो मदर थी उसको तो भाई बहुत दुख हुआ कि भाई मेरे हस्बैंड ने अपने ही बेटे को क्या किया, श्राप दे दिया।
Meanwhile, there was a severe drought in the village. Sujata was very ambitious and wanted the best for her child. The drought had somewhat upset her plans. She needed more money to raise her child well. So she persuaded her husband to approach King Janak. It was known to all that the king was at that time preparing for a yajna. She asked her husband to assist the king in performing the yajna, for which she hoped that the king would reward him handsomely. अब क्या हुआ, उनके जो गांव था वहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया. ठीक है, अब सूखा पड़ गया, वहाँ फसल नहीं उग सकती थी. तो वो जो लेडी थी जिसका नाम था सुजाता, उसने सोचा कि अब भाई, अब मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है. तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा, कहुला को भेजा, किसके पास, राजा जनक के पास, कि राजा जनक, उसको सुनने में आया कि राजा जनक एक यज्ञ करने वाले हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करो, और फिर वो तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें थोड़े से पैसे देंगे. When Kahola approached Janaka, the king received him with due respect. But he said to him, Kahola, I regretfully inform you that though I had wanted to perform the Agni Yajna, I am unable to perform it. I have been keen to perform the Yajna for several years now, but in vain. Sage Bandi heard of my intentions and came to me. He told me that I will be permitted to perform the Yajna only on one condition. He would have an intellectual debate with the sages who would perform the Agni Yajna for me. If the sages were defeated by him, they would be drawn as a punishment. Only if Bandi lost to the sages will I be allowed to proceed with the Yajna. So far he has killed many of my enlightened sages. Now it is up to you to take the challenge, informed the king. अब जो कहुला और ऋषि होते हैं वो जनक के पास जाते हैं, राजा जनक के पास जाते हैं. वो कहते हैं मैंने आपके यज्ञ के बारे में सुना और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. तो राजा जनक ने कहा भाई यज्ञ तो मैं भी बहुत सालों से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरा यज्ञ हो नहीं पा रहा क्योंकि एक ऋषि मुनि है जिसका नाम है बंदी. वो चाहते हैं कि भाई उनसे हर कोई क्या करे, हर जो भी ऋषि मुनि है उनसे कम्पीट करे जो यज्ञ में पार्टिसिपेट करने वाला है. अब यज्ञ में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो ऋषि हैं, अगर वो उनको किसी बात में, किसी क्वेश्चन जो उनसे पूछेंगे वो पूछा जाएगा, वो उनको उसमें अगर हरा देंगे तो वो क्या होगा, वो तुमको यज्ञ करने देंगे. लेकिन अगर वो हार गए, वो ऋषि हार गए ऋषि बंदी से, तो फिर क्या होगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको पानी में फेंक दिया जाएगा. और अगर वो जीत जाता है, उनमें से कोई जीत जाता है, तो फिर भाई वो जो ऋषि बंदी है वो खुद ही वहाँ से चले जाएंगे और यज्ञ करने देंगे. Kahula heard the king patiently and agreed to take up the challenge of debating with Bandi. Sadly, he too was defeated and was drowned in the Ganga river nearby. ठीक है, अब जो कहुला ऋषि थे वो मान गए कि भाई चलो मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ, वो जो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर उन्हें दूंगा. लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उनसे वो सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, और उन्हें पनिशमेंट के तौर पे क्या मिला, उन्हें पानी में फेंक दिया गया और वो मर गए. सुजाता वॉज ग्रीव स्ट्रैकन, शी वॉज फिल्ड विद गिल्ट एंड रिमोर्स, फॉर शी वॉज द वन हु हैड अर्ज कहुला टू अप्रोच किंग जनका. इट वॉज शी हु वॉन्टेड मोर मनी टू ब्रिंग हर सन अप वेल. अब सुजाता जो थी वो बहुत दुखी हुई. क्यों? क्योंकि उसी ने कहा था अपने हस्बैंड को कि भाई तुम राजा जनक के पास जाओ. अब क्या हुआ, उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके पति मारे गए. अ फ्यू मंथ लेटर सुजाता गेव बर्थ टू अ बॉय. शी वॉज शॉक टू सी दैट हर न्यू बॉर्न सन वॉज डिफॉर्म्ड एट 8 places. It was then that she remembered how the unborn baby had been cursed by his father. The child was named Ashtavakra by Udalaka. At the same time, a son was born to Udalaka and he was named Swetketu. ठीक है, अब उसके father जब खत्म हो गए तो फिर क्या हुआ, कुछ time बाद उस सुजाता ने एक baby को जन्म दिया. और जब उसने जन्म दिया तो उसने देखा कि उसके बेबी जो है वो 8 पार्ट से क्या है, विकृत है. मतलब उसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है 8 पार्ट से. अब फिर उसे याद आया कि हाँ, मेरे पति ने इसको क्या दिया था, इसको शराब दिया था, इसलिए इसकी बॉडी ऐसी है. अब सेम टाइम पे उसके पापा जो थे उदालखा, उन्होंने भी क्या किया, एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने रखा श्वेत केतु. अष्टवक्र एंड श्वेत केतु ग्रू अप लाइक ब्रदर्स.
They learned the scriptures from Udalaka. Ashtavakra grew up thinking that Udalaka was his father and Swetketu his brother. Ashtavakra was extremely intelligent and soon became the apple of his grandmother's eye. Sage Udalaka was very proud of him. By the time Ashtavakra was 12, he had learned all that he needed to know from his grandfather. Around the same time, he learned the fate of his father and the Yajna of King Janaka, which still remained unfinished as no one could defeat Bandi. He decided to go along with his uncle Swetketu to Mithila to defeat Bandi in a debate and avenge his फादर्स किलिंग. अब अष्टवक्र और श्वेतकेतु दोनों भाइयों की तरह रहने लग गए, ठीक है, क्योंकि अष्टवक्र जो था वो उसके बराबर ही था, दोनों एक दूसरे के क्या था, सेम एज के थे. तो उनको ऐसा लगा कि जो श्वेतकेतु वो मेरा भाई है, जो उदालखा है, जो ऋषि मुनि है, वो क्या है, वो मेरे पापा हैं, ठीक है. तो साथ में पढ़ते थे, साथ में ही अपने आश्रम में वो क्या करते थे, वेदों का ज्ञान लेते थे. किससे? अपने नाना जी उदालखा से. तो धीरे धीरे उसे पता चला, जब वो 12 साल का हुआ तो धीरे धीरे उसे पता चला कि भाई ये मेरे पापा नहीं है, मेरे नाना जी है. मेरे असली फादर जो थे वो कहाँ गए थे, वो तो जनक के पास गए थे और वहाँ पे वो हार गए थे और वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट मिली थी, जिसके थ्रू उन्हें क्या किया था, उन्हें पानी में फेंक दिया गया था, ठीक है. अब वो अपने जो मामा जी हैं श्वेतकेतु, अब उनसे पता चल जाता है भाई ये मेरा ब्रदर नहीं है, तो मेरे मामा जी हैं, ठीक है. तो उन्हें मामा जी के साथ उस राजा के पास जाते हैं, उस जो क्या था अभी भी राजा जनक का क्या था, अभी भी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ था, अभी भी कोई भी उस ऋषि को हरा नहीं पाया था. तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं वहां जाऊंगा और उनसे क्या करूंगा, डिबेट करूंगा. द किंग वॉज सरप्राइज टू सी अ स्मॉल डिफॉर्म्ड बॉय. ही आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द यंग स्कॉलर्स नॉलेज. किंग जनका सून अरेंज फॉर द डिबेट विद बंदी. वेन द स्पेक्टेटर्स लाफ्ड at the deformed Ashtavakra, he said with anger, I did not know that the so-called learned gathering is no better than a bunch of lowly people who judge a person by the skin and not by the knowledge he has. ठीक है, अब जब उनके दरबार में पहुंच जाता है तो वो जो किंग जनक होते हैं बहुत ही सरप्राइज होते हैं ऐसे बॉय को देखकर, जो इसकी बॉडी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है. अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम उससे डिबेट करने को तैयार हो तो मैं उनको क्या करता हूँ, बुला लेता हूँ. फिर वो तैयार हो जाता है कि हाँ चलो मैं भी उससे डिबेट करूंगा. कौन है भाई, वो भी देखना चाहते थे, जो बंदी थे ऋषि मुनि वो भी देखना चाहते थे कि भाई ऐसा कौन लड़का है जो मुझे मेरी डिबेट में हरा सके. अब वहाँ पे जो लोग थे, बाकी के दरबारी थे, वो उनकी बॉडी, किसकी बॉडी देखे, अष्टवक्र की बॉडी देखे, उन पे हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे. तो अष्टवक्र ने उन्हें चुप करा के ये कहा कि भाई इतने तुम महान लोग हो और किसी की बॉडी, किसी की स्किन पे उसको जज करके उस पे हंस रहे हो. तो सबके सब क्या हो गए, चुप हो गए. To everyone's surprise, Ashtavakra defeated Bandi in no time. As a reward, he requested the king to get his father's killer droned. It was then the Bandi told them who he really was. I am the son of Varuna, the god of water. I came to earth on my father's instruction to get the best sages from here to perform his 12-year yajna. The only way I could get them to my father was to challenge them to a debate and throw them into water of Ganga river. ठीक है, अब जो अष्टवक्र था उन्होंने बंदी, जो ऋषि बंदी था, उनको हरा दिया. ठीक है, अब वो राजा से रिवॉर्ड मांगते हैं, राजा से इनाम के तौर पे मांगते हैं कि भाई जिसने मेरे फादर को पानी में गिरा दिया था, मैं भी चाहता हूँ उसको पानी में धकेल दिया जाए या पानी में गिरा दिया जाए एज ए पनिशमेंट. ठीक है, तो जब उसको धकेलने जा रहे होते हैं ऋषि बंदी को, तो ऋषि बंदी खुद ही बोल पड़ता है कि मैं ऋषि बंदी नहीं हूँ, मैं तो हूँ भाई, मैं पानी के देवता का बेटा हूँ और मुझे उन्होंने, मेरे पिता ने ही भेजा था कि जाओ मेरा यज्ञ जो चल रहा है या यज्ञ जो होने वाला है उसके लिए धरती से बहुत सारे महान ऋषि मुनियों को तुम मेरे पास लेके आओ, ताकि धरती के नीचे वो क्या कर सके, पानी के अंदर क्या कर सके, मेरे लिए यज्ञ कर सके. अब जैसे कि यज्ञ पूरा हो गया है मतलब, तो मैं खुद ही अपने घर पे अपने पानी में, वो कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ. नाउ दैट माई फादर हैज़ कम्प्लीटेड द यजना, लेट अस गो टू द रिवर बैंक एंड वॉच द सेजेस वॉक आउट ऑफ द रिवर. अब वो ये बताता है कि अब मेरे फादर का जो यज्ञ है वो कम्प्लीट हो चुका है. अब क्या है, अब जब कम्प्लीट हो गया है, अब आपके घर में जैसे पंडित आते हैं पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद क्या होता है, पंडितों को अपने घर में तो नहीं रखते, उन्हें वापस भेज देते हो. तो ऐसे ही वो कहता है मेरे जो फादर है उनकी यज्ञ जो है कम्प्लीट हो गया, अब आपके जो फादर थे
जो अष्टावक्र के फादर थे, वो कहता है अब आपके फादर भी वापस आ जाएंगे। पीपल रश टू द गंगा रिवर बैंक एंड वॉच द सेजेस इमर्ज फ्रॉम द रिवर गंगा। कहोला टू केम आउट ऑफ द रिवर एंड एम्ब्रेस्ड हिज लर्न सन अष्टावक्र। ही एडमिटेड एंड ओपनली डिक्लेयर्ड दैट हिज सन अष्टावक्र वॉज अ लॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिमसेल्फ एंड रिग्रेटेड हैविंग कर्स्ड हिज सन इवन बिफोर ही वॉज बॉर्न। बंदी टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक amend and ask Ashtavakra to take a dip in the river Samanga. He assured him that his father god Varuna would bless him and his body would become normal. Ashtavakra sought the blessing of his own father and walked into the river. He did as he was told. Within a few minutes he emerged from the river as a handsome young man. King Janaka was extremely happy as he would be able to perform the yajna after such a long wait. He happily and generously rewarded Ashtavakra and Kahola. ठीक है, अब उसके फादर, उसने देखा मेरे फादर जो है वो कहाँ से आ गए, नदी से बाहर आ गए। वो बहुत खुश हुआ, वो अपने फादर से मिला, क्योंकि वो कितने सालों से अपने फादर से नहीं मिला था। अब उसके फादर भी ये जान के हैरान हुए कि ये मेरा बेटा है। फिर वो पछताने लगे कि अरे कैसे मैंने अपने बेटे को जन्म से पहले ही क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था। ठीक है, तो वो बहुत दुखी होते हैं कि मेरा बेटा तो इतना विद्वान है, उसने मेरी हेल्प की, मुझे क्या किया, वापस पानी से बाहर निकाला, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया। उसको क्या किया, उसको मैंने कर्ज किया, उसको मैंने श्राप दिया। अब इस श्राप को मैं कैसे पूरा करूं? तो जो सेज बंदी होते हैं ना, जो पानी के देवता होते हैं, वो उनको कहते हैं कि अगर आप समंगा नदी में जाओगे और वहां पर डुबकी लगाओगे तो क्या होगा, मैं अपने जो उनके फादर थे ना, वो कहते हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इनकी बॉडी को जो है वो आप ठीक कर दो। तो वो उसको वैसे ही करने के लिए कहता है कि आप जाके समंगा नदी में डुबकी लगाओ। तो अपने फादर का आशीर्वाद लेता है और समंगा नदी में जाकर डुबकी लगाता है, और जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब जब वो नॉर्मल हो जाती है, अपने नॉर्मल शेप में आता है, तो लोग बहुत प्रेज करते हैं कि भाई चलो अच्छा हुआ, अब क्या हुआ, इनकी बॉडी जो है वो पुरानी शेप से नई शेप में, मतलब अच्छी नॉर्मल शेप में आ गई। और अष्टावक्र भी अपनी बॉडी देख के बहुत खुश होते हैं। तो ये थी कहानी किसकी, अष्टावक्र की। कैसी लगी स्टोरी आपको? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।